राजस्थान के अजमेर दरगाह के बाहर भीड़ के सामने भड़काऊ भाषण देने और नारेबाजी के मामले में गिरफ्तार गौहर चिश्ती को पुलिस ने अदालत के सामने पेश किया। इस मामले में अदालत ने चिश्ती को 22 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। आपको बता दें कि अजमेर के दरगाह में 17 जून को एक जुलूस के दौरान विवादित भाषण दिया गया था। इस मामले में FIR दर्ज कर 4 लोगों को अरेस्ट भी किया गया था, लेकिन मुख्य आरोपी गौहर चिश्ती फरार था, जिसे शुक्रवार को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।